नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। अब इसे पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इसका नाम बदलने पर पहले ही मोहर लग चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे आधिकारिक तौर पर बदला गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय अब प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बन गया है। पीएम मोदी के पास डर और असुरक्षा का एक बड़ा पिटारा है, खासतौर पर जब हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की बात आती है तो उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। उन्होंने एन को मिटाकर उसकी जगह पी डाल दिया है, जो वास्तव में अपमानित करने वाला है। जयराम रमेश के इस ट्वीट ने सियासत में चिंगारी भड़का दी है, जिसका जवाब बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने कहा कि क्या नेहरू की विरासत इतनी हल्की है कि एक संग्रहालय का नाम बदलने से उसकी विरासत मिट जाए। कांग्रेस पार्टी के लिए पी मतलब पीपल नहीं, पी मतलब केवल परिवार, और उसका एक और परिचय अब जयराम रमेश जी ने दिया है। जब प्रधानमंत्री संग्रहालय बन रहा है, उसमें हर प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरसिम्हा राव जी तक, देवेगौड़ा जी से लेकर इंद्र कुमार गुजराल तक, चरण सिंह जी, वीपी सिंह जी, तमाम जो प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, उनके योगदान को सराहने का काम, स्वीकारने का काम, उसका जश्न मनाने का काम इस संग्रहालय में किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करने लगी है। आगे कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नेहरू ने जितनी लंबी लाइन खींची है, आप इसके बराबर भी नहीं जा पाएंगे। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार का। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर ले, पर जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं कर पाती। बता दें कि इसी साल जून में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करने का फैसला लिया गया था। इसे सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाए जाने के बाद कार्यकारी परिषद ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का फैसला लिया था। साथ ही इसमें कई तरह के आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं, जो विकसित भारत की एक छवि को दिखाते हैं।